तो ये पट्टा मैं गले में लगा के आई थी, ये पट्टा मैं गले में लगा के आई थी और बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। ये पट्टा गले से तो उतर गया, हर वक्त तो ये पट्टा लगा रहती थी। इसीलिए आपको लगता था गर्दन गिर जाए, एक तरफ लटक जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म में कटा हुआ था, इसलिए स्थूल में आपको फील होता था सारा। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ। मेरी माँ बाबा और मेरे गुरुवर को बहुत बहुत धन्यवाद, जब मैं यहाँ आई थी तो ये पट्टा मैं गले में लगा के आई थी और बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। ये पट्टा गले से तो उतर गया पर मेरे हाथ में आ गया और मेरे अंदर इतना भय अभी भी बना हुआ है, मैं देखती तो हूँ पर डर डर के, इतना डर रही हूँ मैं। कोई बात कि ऐसा ना हो मैं गिर जाऊँ, मुझे चक्कर आ रहा है मैं गिर जाऊँ, तो ये भ्रम मेरा निकाल दीजिए गुरुवर कि ये मैं पट्टा फेंक दूँ हमेशा के। तुम्हें ऐसा लगता था गर्दन लटक जाएगी, मैं गिर जाऊंगी, गिर जाए। एक हफ्ते में गुरुवर मैं आपसे दो बार मिली और मैं घर नहीं गई, मैं बाहर से ही आई, आपने कहा वनडे करिए, मैं घर नहीं गई, मैं अपने भैया भाभी के घर चली गई, वहीं से आके गुरुवर आप यकीन मानिए मैं दो घंटे रास्ते में मेरे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती रही, मैं अकेले, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं जाऊंगी मुझे करना है। वही सब स्मृतियाँ थी ओसीडी के कारण, सब लड़ाई झगड़ा गुरुवर। मैं यहाँ 8 बजे पहुंची थी, दरबार बंद होने वाला वो काउंटर मैं कैश लेके आई थी, मैंने कहा कर दीजिए, उन्होंने कहा ठीक बिल्कुल हो जाएगा और मेरा कल वनडे हुआ, मुझे बहुत फायदा है, पर गुरुवर ये पट्टा हटा दीजिए मेरा। पहले रोग अपने देख लो, पट्टा भी आप फेंक दोगी खुद ही। डिप्रेशन था, हमेशा उलझन बेचैनी घबराहट बनी रहती थी, सिजोफ्रेनिया था, महसूस होना कोई आसपास है, आवाजें सुनाई देती थी, हृदय में क्लॉटिंग, अल्जाइमर हो गया था, भूल जाना, सुनकर पूरा ना समझ पाना, किडनी निष्क्रिय हो रही थी, जॉइंटिस की स्मृतियाँ थी, नोजिया की स्मृतियाँ थी, लंबर स्पॉन्डलाइटिस था, कमर में दर्द, यूरेटर में पस भर रहा था, सर्वाइकल में पेन, पैरों में कमजोरी, घाव बन रहा था, मस्तिष्क में, कोलोन में और गुदा द्वार में, स्लीप डिसऑर्डर था, आत्मविश्वास में कमजोरी रहती थी, ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, रक्त दूषित हो रहा था, मांसपेशियों में सड़न हो रही थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृति थी, यूट्रस में, फिलिपिन ट्यूब में, हड्डियों में और रक्त में। 6 महीने से गुरुवर मैं डॉक्टर के चक्कर लगा रही थी और कोई नहीं समझता था, ये हाथ मेरे ऐसे ऐसे कांपते थे, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं डर के मारे कांप रही हूँ कि मैं सही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि नहीं देख पा रही हूँ। ये आपका यूट्रस ऐसे खराब हो रहा था जी गुरु, अब मेरा जो भय है ये बस। और सूक्ष्म शरीर में आपका चूंकि गला कटा हुआ था ऐसे आप देख सकती, हर वक्त तो ये पट्टा लगा रहती थी, इसीलिए आपको लगता था गर्दन गिर जाए, एक तरफ लटक जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म में कटा हुआ था, इसलिए स्थूल में आपको फील होता था सारा। तुरंत चक्कर आ जाता था, लेटते उठते बैठते चक्कर, बिल्कुल। अब रहा पट्टा, दोनों बच्चों को गुरुवार एक को इधर बैठाती थी, ऐसे नर्व दब जाती थी तो एकदम चक्कर आता था, ऐसे बना हुआ चित्र आप ही रखा है, मैं हटा दिया था जी जी बिल्कुल, मतलब आत्मविश्वास में इतनी कमी कि दोनों बच्चों को बैठा के रोती थी, सोचती थी बचूंगी नहीं इस दरबार में आके, मैं ये सोच रही हूँ मैं अब जी जाऊंगी और गुरुदेव के साथ में पद यात्रा और एक दंडवत यात्रा मुझे करनी है। बेटा कभी भी गलत स्थानों पे नहीं जाना है जी। आप कहीं एक स्थान पे गई तो वहां से जाने के बाद आपको समस्या ज्यादा बढ़ी। मैं पूजा पाठ भी बहुत करती थी घर में, बहुत मंदिर सजा रखा था गुरुदेव। वो अपना देखिए पट्टा, जरा देखिए पट्टा देखिए, अच्छा कॉलर, हाँ बस आंख बंद करिए, विश्व नष्ट कर दीजिए, चाटन आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। इस पट्टे को नहीं लगाना है, शीश में भर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए, 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, उच्चारण उससे भय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उच्चारण, आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। अब अपना पट्टा देखो, ये हाथ में लिए हो जो ये तो हटा ही देंगे अभी जाके, क्या मन कर रहा देख के, नहीं लगाएंगे,
खुश हो। और ये ना गुरुदेव ये बहुत फोन देखती है और रात भर उठ उठ के रोती है। बोलो जय बाबा करो। जय बाबा। अरे जय बाबा की तो मोबाइल देखती हो। हाँ। अरे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मोबाइल। हाँ। अच्छा रात कोई बात ये हाइपर हैं थोड़ा सा अभी इनको लेपन की भी आवश्यकता है बाबू को। हाँ जो बच्चे मानसिक रूप से ठीक नहीं रहते हैं है ना उनका मोबाइल केवल दरबार में नहीं छुड़ाया जाता है ताकि आपको तंग नहीं करें। ये दरबार ये छोड़ देंगे बोलो हम नहीं देखेंगे फोन बोल दो। हम नहीं देखेंगे। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं करना थोड़ा थोड़ा देखते रहना। जय बाबा बोलो। खूब खुश रहिए प्रसन्न प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा गुरुदेव महामन। हाँ सिर्फ मिलेगी बेटा अच्छा। अपने को और दो लोग और रखना हस्बैंड और एक बच्ची है। हाँ तीनों लोग रहेंगे तो इसको छोटी को फिर। हाँ तीन लोग रहेंगे संकल्प में। दो बेटी एक बड़ी है तो उसको इसको रखना इस बच्ची छोटी को रख लेंगे। ठीक प्रणाम गुरुदेव।